हमारे साथ बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं पूनम जी। पूनम जी किस के बातों को लेकर आप मुद्दे पे रोड पे निकले हुए हैं? जो 600 साल पुराना हमारा गुरुघर तोड़ा गया है उसको वापस लेने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर उतरे हैं आप? सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे महिलाएं हैं, उसका क्या विशेष कारण? महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे गुरु हैं उनकी विचारधारा महिलाओं को सम्मान देने वाली है और आज हमारा सम्मान खतरे में है। बहुजन समाज की महिलाएं रोड पे कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, अब रोडों पे आने का क्या कारण विशेष? उनका सम्मान कुचला जा रहा है ना। अच्छा। उनके महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ी जा रही है, उनका घर छीना जा रहा है, जिनकी विचारधारा को पाकर आज वो घर में से बाहर निकली है या नौकरियां कर रही है या अपने अधिकारों को पहचानी है, उन्हीं की वजह से पहचानी है। अगर उनके गुरुओं पर प्रहार किया जाएगा तो समझो हम पर प्रहार किया जा रहा है, तो हम घर में कैसे बैठ सकते हैं? पूनम जी एक बात बताइए कि अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा, आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, आज लाखों की तादाद के अंदर पूरी दिल्ली को जाम कर चुके हैं, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहले तो हम बैरिकेटर तोड़ेंगे क्योंकि बैरिकेटर लगाए हुए हैं जी। उसके बाद हम वो दीवार तोड़ेंगे जो हमारे गुरु घर पे इन्होंने खड़ी की है जी। और वहाँ पर अगर इन्होंने हमें तोड़ा नहीं गया तो अगर हमें तोड़ने नहीं दिया जाएगा तो वहीं पर लाशें बिछेंगी और खून बहेगा वहीं पर। आज आज या तो गुरु घर मिलेगा हम लोगों को या फिर वहाँ लाशों का ढेर मिलेगा। मतलब आज 19 तारीख को ही आप गुरु घर लेके छोड़ेंगे? ये बिल्कुल नीला कफन हम घर से लेके निकले हैं। अच्छा। अपने घर वालों से कह दिया ये नीला कफन हमें दे दो जी। और हम जा रहे हैं, हमारी वापसी का इंतजार मत देखना, अगर आ गए तो वो बाई चांस है, लेकिन आज हम अगर हमारा गुरु घर नहीं मिला तो वहाँ पर लाशें बिछने वाली है। आप हमारे साथ एक बहन और है, बहन आप किस कारण से निकली हो, क्या करती है पहले तो ये बताओ? मैं बहुजन समाज की कलाकार हूँ, सिंगर हूँ और मैं पंजाब से आई हूँ स्पेशल यहाँ पर। पहले हम लोगों ने पंजाब बंद किया और अब हम दिल्ली सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हैं। शर्मानी चाहिए इस मोदी को, ये वही मोदी है जो जब हमारे गुरु का जन्मदिन आता है तो जो कांची बनारस जाकर ऐसे नतमस्तक हो जाता है, उसी गुरु के आगे शीश झुकाता है, और आज इसने उसी गुरु के घर के ऊपर, हमारे बाप के घर के ऊपर हमला कर दिया। हम इस मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम लोग 85% है और तुम लोग 15%। अरे ओ मोदी मनुवादी सरकार, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर 15% मर गए तो तुम्हारा तो नामो निशान नहीं रहेगा, और अगर 85 में से 15 मर गए तो 70 तो फिर भी रह जाएंगे। जिन लोगों की तुम वोट लेकर कुर्सी पर बैठे हैं, आज उन्हीं लोगों के बाप के ऊपर तुम लोगों ने अत्याचार कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? आप अपने जगह जगह मंदिर आपने देखा, वहां से लेकर जहां आने तक रास्ते में 10 मंदिर पड़े, तो केजरीवाल के अंधा हो गया था, उनको वो मंदिर नहीं दिखाई दिए। क्यों हमारे गुरु घर का, क्यों हमारे गुरु का अपमान किया, क्यों हमारा ही मंदिर तोड़ा उसने? केजरीवाल भी उतना ही गुनहगार है जितना मोदी। केजरीवाल का कहना है कि ये मंदिर हमारी दिल्ली सरकार ने नहीं तोड़ा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ा है। अरे सर जो भी होता है, ये दिल्ली सरकार, वो मौजूदा हुक्मरान है, दिल्ली का मौजूदा राजा है, राजे की कहन के बगैर दिल्ली में पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मंदिर क्यों टूट गया? अब क्यों बोल रहे? अब उसको पता है कि बहुजन समाज सड़कों पर आ गया है और उसको पता है कि ये लोग वो हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं। और हम लोग अपने पंजाब से आई हूँ और मैं अपने गले में ये कफन बांध कर आई हूँ और घर वालों को ये कह कर आई हूँ कि मेरा इंतजार मत करना, अगर मोदी सरकार ने हमारे गुरु का मंदिर नहीं बनाया तो दिल्ली में लाशें बिछ जाएंगी, इतनी लाशें बिछ जाएंगी कि मोदी को गिन भी नहीं पड़ेगी, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। अब वोटें आने वाली है, अब आएगा मोदी मुंह हिलाकर हमारे पास हाथ जोड़कर बोलेगा कि हम आपका गुरु घर बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी गंदी राजनीति है। आप देखो जब से मोदी सरकार आई है तब से पहले सहारनपुर कांड, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, ये भाजपा के तो खुद MLA MP रेप केस करते हुए पकड़े गए, मोदी ने उनको भी छोड़ दिया। अरे शर्म करो, तुम्हारे तो बीवी बच्चे है नहीं, क्यों पूरे समाज के पूरे देश के बीवी बच्चों को सड़क पर ला रहे हो? मोदी सरकार तुझे शर्म आनी चाहिए। अब अगर तूने हमारे गुरु का मंदिर नहीं बनाया तो ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कुर्सी पर बिठाया है, और हमारे गुरु के हाथ में रंबी होती है, हम रंबी वाले गुरु के वारिस हैं। हम आखिर में जब हमारे सुनवाई नहीं होती तो मैं मोदी को चैलेंज करती हूँ कि तेरी तो चमड़ी ही उतार देंगे, ये वो समाज है। अब भी तेरे पास समय है, दिल्ली मंदिर है जो वो पहले से 4 गुना बढ़कर बना दो, नहीं तो आपको ये भारत को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपने वर्ल्ड की बात करी, पूरे पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इसके।
मेरी बात सुनो, आपको पता है कि देश में 85% आबादी हम लोगों की है, हम ही लोगों की वोट की वजह से ये सरकार बनती है और हम ही लोगों पर जो उत्पीड़न करवाते हैं। अब इसको इन लोगों को लगता है कि ये लोग दबे कुचले हैं, अब हम दबे कुचले नहीं रहे क्योंकि हमारे पास बाबा साहब का संविधान हुआ है, हमारे पास उनके दिए हुए हक हैं जिनकी वजह से हम आज रोडों पर आए हैं। बहुजन समाज सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाकर बस चुका है और इसको शर्म आनी चाहिए, इतना समय हो गया और अब हम इनको 21 तारीख तक टाइम देते हैं। अगर आपने दिल्ली मंदिर दोबारा उसारी शुरू नहीं करवाई तो देख लेना, दिल्ली में लाशें गिननी भी आपको उतनी लाशें बिछा देंगे कि आपसे गिन भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद जी, क्योंकि आपको एक आपके चैनल के एक बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जितने भी चैनल है वो मोदी सरकार है, वो मनुवादी चैनल है, वो बहुजन की आवाज नहीं उठाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का कि आप लोग सड़कों पर आए हमारे साथ और हमें आशा है कि हमारा ये मैसेज आप पूरे वर्ल्ड में अपने चैनल के थ्रू भेजेंगे। जय भीम जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।